प्रदेश के सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो काम बंद हड़ताल पर जाएंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी अधिकारी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है, तो प्रदेश के नर्सिंग ऑफिसर्स ने अब मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे। ये नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत कल हमने कलेक्टर महोदय के नाम से माननीय सीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया था। आज द्वितीय चरण में हमने प्रेस वार्ता रखी है कि हमारी जो मांगों को लेकर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, शासन प्रशासन तक आप लोगों के माध्यम से मैसेज पूछना चाहते हैं कि हम भी काम प्रभावित करना नहीं चाहते, लेकिन शासन प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है, हमारी मांगों को नज़रअंदाज कर रहा है, जिससे पिछले 10 सालों से हम प्रयास कर रहे हैं मगर आज दिनांक तक उनका निराकरण नहीं हुआ है। हमारी मुख्य मांग है नर्सेज को मध्य प्रदेश में भी अन्य प्रदेश की भांति ग्रेड 2 का दर्जा दिया जाए, जो वेतन विसंगतियाँ उनको मिटाया जाए, चिकित्सकों की भांति हमारे नर्सिंग ऑफिसरों को भी नाइट अलाउंस का लाभ दिया जाए और पदोन्नति की जाए, इन मांगों को लेकर हम चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से शासन प्रशासन को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी मांगों का अभी भी निराकरण करें, समय रहते समय है अभी भी। अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, हम कल से 1 घंटा अधिक सेवाएँ देंगे, परसों 2 घंटे अधिक सेवाएँ देंगे, 8 तारीख को हम 2 घंटे काम बंद करेंगे और 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के सभी नर्सिंग ऑफिसर्स ने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो काम बंद कर हड़ताल पर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।